गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, ट्वेल्थ साइंस पार्ट फोर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ सो ध्यान से करना, इसको समझना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी हैव टू, और ये हमेशा एग्जाम में आता है, बोर्ड में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिर वी विल ऑल्सो रीड बाय फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टूडे आई विल टेल यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो वन रिएक्शन इज देयर, लाइक इफ आई राइट हियर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ओके। So at time t is equal to zero time पे क्या होगा, इसका concentration हो गया r, ठीक है, r zero कर दो, और product तो अभी बना नहीं है तो product को zero कर दो। Then at time t small t कर दे तो concentration will be r t, the concentration will change reactant का, एंड अब प्रोडक्ट भी बनेगा। सो प्रोडक्ट का सपोज करो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज पी टी, यू अंडरस्टूड। पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर जीरो एंड प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन रिएक्शन कंटिन्यूड द कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज एंड पी टी प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो बाय पुटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ, लेट मी राइट हियर, बाय applying या putting applying differential rate law, what will happen? Change in concentration with respect to time, change in concentration with respect to time, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वॉट विल बी देयर, रेट इज गिवन बाई, रेट पढ़ा है हमने, रेट इज गिवन बाई, रेट मीन्स आर, इज गिवन बाई माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। देन बाई पुटिंग द रेट लॉ वी विल राइट हियर, बाई पुटिंग the rate law, r is also equal to k raised to 0. What is this? K is the rate constant and concentration raised to order of the reaction. So order of the reaction kya hai beta? 0 hai, you understood? So r is equal to k, r raised to 0, anything raised to 0 is 1. Therefore, इसको अगर 2 कर दें तो by combining both 1 and 2, R can be written as R is equal to K raised to 0, और इधर ये इसको 1 कर, ये समझ में आ गया, एनीथिंग raised to 0 इज 1, ओके, ये ध्यान में आया। सो ऐसा लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों रेट ही है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 R is equal to minus d r upon dt, तो था ही था, और is equal to k भी है, so यहाँ can I write here minus d r upon dt into is equal to k, r is equal to this and r is equal to k, so minus d r upon dt is equal to k, understood? अब ये लिख नहीं रही हूँ कि anything raised to 0 is 1, that is understood, okay? अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कि ये रेट ऑफ द ऑर्डर इज जीरो है इसलिए वन हुआ, राइट है? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ज़्यादा डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ना नहीं है, जो मैथ्स वाले उनको तो आता ही होगा, फॉर बायो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो लिखते हैं यहाँ पे, डू इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दो डू इंटीग्रेशन with respect to time, again with respect to time, तो integration करने में क्या होगा, what will happen in integration, integration की symbol डालो, यहाँ पे लिख दो minus d r upon dt is equal to k, तो integration की sign डाल दी हमने, और इधर भी integration की sign डाल दी, और k इंटू
therefore can be right here integration जब करते हैं ना तो इस विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो k into dt और यहाँ भी दिस टाइम के रिस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन जब करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है तो यू नो दिस dt एंड दिस dt विल कैंसल सो व्हाट विल हैपन माइनस को बाहर ले लो सो माइनस dr ठीक है ऐसा कर दिया और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट करनी पड़ती है तो r जीरो एंड हियर आर टी ठीक है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू इफ यहाँ ऐसा करें तो k dt तो है ही है तो k इज कॉन्स्टेंट तो k को बाहर ले लो dt ले लिया फिर अगेन अपर लिमिट लोअर लिमिट सो t इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर टॉकिंग सो यहाँ जीरो और यहाँ आफ्टर टाइम t सो जीरो टू t हियर r जीरो टू r t दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन ओके सो नाउ फाइनली वॉट वी विल राइट हियर इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन बोथ एक्चुअली कैंसल ईच अदर ध्यान में सो हियर फाइनली वॉट वी विल राइट ये सब कैंसिल कर दिया सो माइनस इज साइन देयर आर कॉन्सेंट्रेशन है तो आर जीरो से हमने आर टी तक का लिया है इसका रेंज ठीक है इज इक्वल टू के बाहर ये के तो ऑलरेडी बाहर है टी को ऐसा लिख दो जीरो टू टी दिस इज आफ्टर आफ्टर इंटीग्रेशन okay therefore we will write minus rt minus r0 rt minus r0 jo final concentration minus initial concentration rt minus r0 is equal to k upper limit minus lower limit phir yahan bhi kar do t minus 0 understood then we will write here therefore upper limit minus lower limit समझ में आया आप लोगों को then we will write here therefore rt minus r0 is equal to minus kt देखो ध्यान से rt minus r0 is equal to minus kt इस minus को उठा के इधर ले गए so minus kt therefore RT is equal to final concentration is equal to minus KT plus R0 original concentration. Okay. So this is known as integrated rate law for zero order reaction. Therefore, अगर मुझे K find करना हो तो क्या करूँगी K A को उठा के इधर लाते हैं तो K अगर इधर ले आए तो it will become ये K into T है हाँ बेटा So K को अगर उठा के इधर लाते हैं तो it will become आर जीरो माइनस आर टी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टी आगे समझ में सो दिस इज नोन एज यहाँ लिख दो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर मेकिंग इंटीग्रेटेड जीरो रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू मिल गई फाइंड के तो के की वैल्यू आर जीरो माइनस आर टी अपॉन टी आफ्टर टाइम टी देन इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखूं आर टी इज इक्वल टू जो लिखा हुआ हमने माइनस के टी प्लस आर जीरो तो यू सी इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रेन हमने पढ़ा है टेंथ में वाई या एलेवेंथ में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये किसका इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है तो वाई इज दिस इज वाई ये एम एक्स प्लस सी हुआ सो वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे वाई एक्सिस पे आर टी ले लो ठीक है एंड एक्स एक्सिस पे ले लें एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे अपन ले लें टाइम ठीक है तो बन गया ये एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में एंड एट वाई एक्स यहाँ फिर लिख देते हैं एट वाई एक्सिस
सी इज इक्वल टू सी जीरो यानी आर इज इक्वल टू आर जीरो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। एंड स्लोप हो गया क्या वाई एक्सिस पे एम, एम मतलब क्या स्लोप, सो एम इज इक्वल टू एम यहाँ स्लोप में क्लियर लिख ही देती हूँ, एम स्लोप इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्योंकि ये एम है इतना पोर्शन, एम एक्स प्लस सी सो एक्स पे टी है ना और वाई एक्सिस पे आर टी। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस, ऐसा बना दिया। एक्स एक्सिस पे क्या बेटा टाइम, टाइम लिख दो। वाई एक्सिस पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है सबको, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है मैंने। ओके देन एट टाइम टी जीरो, टाइम टी जीरो कहाँ पे आ गया, ये हो गया ना टाइम इज टी इक्वल टू जीरो, तो कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन चलो एक पॉइंट यहाँ डाल दिया दैट इज आर जीरो। अब कॉन्सेंट्रेशन तो तुमको पता है रिएक्शन में हमेशा डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का, तो ऐसा एक स्लोप बना दिया ठीक है, ये डाउन आया समझ में। और यहाँ इस ये पॉइंट से स्लोप पता चलता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के यानी एट टाइम जी टी इज इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आर जीरो एंड स्लोली द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, लिख भी दूं क्या स्लोली द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल कम फॉर द हाफ लाइफ फॉर्मूला ऑफ दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट मी टेल यू हाफ लाइफ मीन्स क्या होता है एक्चुअली, हाफ लाइफ ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, जस्ट हाफ हो जाए, दैट इज नोन एज द टाइम एच विच, लिखने ही दो द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। ओके तो यानी अगर आर जीरो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है तो अब आप ये कितना हो जाएगा आर जीरो अपॉन टू, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। सो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन आर टी इज इक्वल टू आर जीरो, सेम रहता है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, तो टी हाफ में क्या हो जाएगा एट टाइम टी हाफ, एट टाइम टी हाफ, हाफ टाइम पीरियड में आर जीरो अपॉन ये भी हाफ हो जाएगा आर जीरो अपॉन टू। देयरफोर उसी इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो आर जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस के इंटू के टी था ना याद है ना, तो टी अब क्या हो गया टी हाफ के टी प्लस ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन इसको अगर इधर ले आए तो देयरफोर वी विल राइट के टी इंटू हाफ सॉरी के टी हाफ इज इक्वल टू आर जीरो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस आर जीरो अपॉन हाफ, तो फुल में से हाफ माइनस करोगे तो क्या बचेगा हाफ ही बचेगा, देयरफोर वी विल राइट के टी हाफ इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन टू, अंडरस्टूड। देयरफोर हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन टू, तो पहले से ये के भी नीचे आ जाएगा तो अपॉन के टू के, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। फिर से देख लो एक बार व्हाट इज हाफ लाइफ, द टाइम पीरियड एट विच या द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल क्या है आर जीरो, अब ये बन गया आर जीरो अपॉन टू, तो एट टाइम टी जीरो तो ये दोनों सेम ही थे, हाफ टाइम पर क्या हुआ टी हाफ पे ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, सो आर जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो था फॉर्मूला,
सो माइनस के, अब टी के बदले टी हाफ लिख देंगे, आर जीरो लिख देंगे। सो के टी हाफ को उठा के इधर ले आओ तो प्लस हो गया, आर जीरो अपनी जगह पे है, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो आर जीरो माइनस आर जीरो अपॉन टू मीन्स क्या होता है बेटा, एक में से हाफ माइनस कर दिया तो हाफ बचा, तो आर जीरो अपॉन टू। हियर जीरो जीरो जो लगा हुआ है ना आर ओ, एक्चुअली ये आर ओ है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओके, तो एट के टी हाफ इज इक्वल टू आर ओरिजिनल अपॉन टू। सो टी हाफ इज इक्वल टू आर ओरिजिनल ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टू के, ये के नीचे आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड। ओके, नाउ वी विल गो फॉर व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ, सो टी हाफ इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन टू के, यू ऑल अंडरस्टूड, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। एक्चुअली हाफ लाइफ ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखना, टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है सबको, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, ओरिजिनल और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम ही है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन याद रहेगा। ये वन मार्क क्वेश्चन में आता है ना। देन एग्जाम्पल लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फोटो केमिकल रिएक्शंस दे आर एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई, डी कम्पोजिशन ऑफ एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द सर्फेस ऑफ गोल्ड, ऑन सर्फेस ऑफ गोल्ड, ये इसमें से वन मार्क क्वेश्चन आते हैं एम सी क्यू। थर्ड वन इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, देखो डीकम्पोजिशन, कम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ पीटी, ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स विच आर गिवन इन आर बुक ऑल्सो, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा इसको अपने को प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी, राइट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एंड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टुमारो वी विल गो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू।